स्टूडेंट एक्सरसाइज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यह एक्सरसाइज आपकी है 8A और यहां से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इस वीडियो में आपको देखना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना है कैसे किया जाएगा। यदि आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो कि जिसमें ए बी और बी टू सी दिया हो और उसे ए रेशियो बी और ए टू बी टू सी में कन्वर्ट करना हो, आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देखें कैसे करना है। क्वेश्चन है इफ ए रिच टू बी, ए इज टू बी इज इक्वल टू 7:5, ओके, बी इज टू सी इज इक्वल टू 9:14। यू विल फाइंड ए इज टू सी, ए इज टू सी, ओके, ए इज टू सी टू बी कैलकुलेटेड। Now we write here a upon b is equal to 7/5 and b upon c is equal to 9/14, right? A upon b is equal to 7/5 and b to c, b upon c is equal to 9/14. Now write it into the form of a upon b into b upon c is equal to 7/5 into 9/14. 7 1 7, 7 2 and b is cancelled by b. This is a is to c and 9 1 9, 5 2 10. Then A is to C is equal to 9:10. ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। आपने देखा कि B को B ने कैंसिल कर दिया, A अपन C बचा तो A is to C माना जाएगा और इधर उसी तरह से आपने इसको कैंसिल करके इस फॉर्म में लिखा, यह फॉर्म A होगा और यहां पर यह C होगा। क्वेश्चन नंबर 4 like this, a is to b is equal to 5:8 and b is to c is equal to 16:25. Now we'll find a is to c. This is calculated. A upon b into b upon c. Now this is 5/8 and multiple by 16/25. B is cancelled by B. Now this is A is to C and 8 1 8, 8 2 16, 5 1 5, 5 2/5. So A is to C is equal to 2:5. ये इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में if a b is equal to 3:5 and b is to c is equal to 10:13, find a is to b is to c. Sixth question is also a is to b 5:6 and b is to c 4:7, find a is to b is to c. आपके क्वेश्चन दोनों 5 और 6 एक से हैं, तो इन 5 और 6 क्वेश्चन हम क्या करेंगे? 5 और 6 में लिखेंगे आप a अपान b इज इक्वल टू h टू b इज इक्वल टू कर सकते हो a अपान b इज इक्वल टू 3/5. नाउ दिस इज b टू c इज इक्वल टू b अपान c इज इक्वल टू 10/13. ओके, नाउ यू विल राइट हियर a upon b into b upon c, ठीक। अब देखिए
सबसे बड़ी बात क्या इसमें है, आप इसमें देखेंगे, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, आप देखिए यहाँ पर क्या है, बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10। ऐसी स्थिति में जहाँ पर एच टू बी टू सी फाइंड करना हो, वहाँ पर आप करें कि बी वाला जो वैल्यू होती है उसको इक्वल करें। बी वाली वैल्यू कैसे इक्वल होगी, यदि हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1 की कर दें तो दोनों 10 जाएगा, तो मल्टीपल बाय टू और यहाँ पर किससे करें, यहाँ पर 10 बन जा, 1 से दोनों में कर दीजिए, मल्टीप्लाई दोनों में होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6, 5 2 10, यहाँ पर 10 बन जा 10 ही है और 13 बन जा 13 हो जाएगा। देखिए ये किसका है, ए का है, ये कौन है, बी, और यहाँ पर कौन है, सी, तो ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 6, यहाँ से दोनों की वैल्यू कैसी है, एक सी है, इज टू 10 इज टू 13, इस तरह से ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:6 एंड दिस इज ए अपान बी इज इक्वल टू 5:6, बी टू सी इज इक्वल टू 4:7, बी अपान सी इज इक्वल टू 4:7। अब करना क्या है, यहाँ की वैल्यू सेम हो, ए तो हमारे पास है, बी में 6 है, बी में 4 है, तो हम क्या करें, यहां लिख दें मल्टीपल के फॉर्म में लाएं और यहां पर भी मल्टीपल के फॉर्म में लाएं, ये बात समझ में आ रही है, ठीक, 6 2 12 एंड यहां पर भी आपने 2 कर देना है, 4 3 12 और यहां पर भी आपको 3 कर देना है, अब आया क्या, 5 2 10, 6 2 12, 4 3 12 7 3 21। देखें 10 ये वैल्यू डी वाली एक सी हो गई, ये ए हो गया, बी और ये सी, ए रेस टू बी टू सी इज इक्वल टू 10:12:21। आप किसी भी रेशियोज को जो ए रेशियो बी रेशियो सी आपको गिवन हो, आप इससे ए रेशियो सी जिसे एच टू सी बोलते हैं या एच टू सी टू बी टू सी, आप बहुत आसानी से इस मेथड से किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको मिलें आप उसे करने की कोशिश करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो समझ में आया, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग।